धन्यवाद सर। और अब सब लोग यहाँ मौजूद हैं तो इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं लाइटनिंग ऑफ लैम्प से। मेरी इल्तिजा है हमारे माननीय कुलपति महोदय से, डीआर सर, डीन सर, रजिस्ट्रार सर से, कृपया मंच पर आएं और मंगल दीप जलाकर आज की सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ करें। Thank you.
Thank you.
आवाज़ देने वाली हूँ उनके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। एक शेर के साथ मैं उनको बुला रही हूँ, गौर फरमाइएगा कि जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, कि जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का कोई अपना मकान नहीं होता। भरपूर तालियों के बीच स्वागत कीजिए हमारे बासू के रोशन चिराग डॉक्टर पंकज कुमार सिंह का। रूह अफजाई के लिए और इज्जत अफजाई के लिए शुरुआत ऐसे करता हूँ कि ऐ खुदा जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, ऐ खुदा जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बक्से हैं तो तौफीके सफर भी देना। मैं तो गूंगा था सिखाया बोलना आपने, अब जो बोलूंगा तो बातों में भी असर देना, अब जो बोलूंगा तो बातों में। अभी इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि मैं चिराग और ये आज मैं तो गीत की तैयारी करके आया था, लेकिन इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद सच पूछे तो मैं गीत की बोली भूल गया। तो और एक मेरे फेवरेट कवि हैं कुमार विश्वास, जिसको मैं बार बार दोहराता हूँ, उनको सुनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन उसके पहले मैं कहूँगा कि एक बहुत छोटी सी गज़ल है कि रोज़ तारों की नुमाइश में खलल पड़ती है, रोज़ तारों की नुमाइश में खलल पड़ती है, चांद पागल है रोज़ रातों को निकल पड़ता है। चांद पागल है रातों को निकल पड़ता है, आज फिर से उनकी याद आई है दिल जरा आहिस्ता धड़क, आज फिर से उनकी याद आई है दिल जरा आहिस्ता धड़क, सुना है धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है, सुना है धड़कनों से भी इबादत में। और मैं शमशाद बेगम की गज़ल बाद में अगर गा पाया तो गाऊंगा, उसके पहले कि बहुत मशहूर गज़ल हुई थी कुमार विश्वास की और सबको याद होगा, कई बार किसी को डेडिकेट भी किया मैंने, और मैं कहता हूँ कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, बता सकते हो, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती पे चैनी बस पागल समझता है, मगर धरती पे चैनी बस पागल समझता है। मैं तुमसे दूर कैसा हूँ, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, मेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, मेरा दिल समझता है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था कभी मीरा दीवानी है, कभी कबीरा दीवाना था कभी मीरा दीवानी। यहाँ सब
किस किस को वो मददगार बना देता है वो तो हर तिनके को पतवार बना देता है। रोज एक एक ईंटें गिराता हूँ मैं, सुबह होते ही वो दीवार बना देता है, सुबह होते ही वो दीवार बनाता है। जब भी गुजरता है वो इस तरह से मेरे शहर से, जब भी गुजरता है वो इस तरह मेरे शहर से जैसे मेरे शहर को मिस्र का बाजार बना देता है, जैसे मेरे शहर को। बहुत बहुत आभार। और इसी तरह हमारा यूनिवर्सिटी, हमारा विश्वविद्यालय और महाविद्यालय दिन दोगुनी चार चौगुनी चार चांद लगाते रहे और आपके संरक्षण में आपके सहयोग से हम करते रहे। धन्यवाद सत्य। आज की शाम बहुत खास है और ऐसे ही हम प्यारी प्यारी परफॉर्मेंस आपके लिए लाते रहेंगे। द्वितीय स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबको सादर प्रणाम करते हुए माँ सरस्वती का वंदन करते हुए शुरू करते हैं कि तू मुझे समझ ले ये तेरे बस की बात नहीं, तू मुझे समझ ले ये तेरे बस की बात नहीं, जो मेरे जज्बे को समझ ले तुझ में वो जज्बात नहीं। सोच बुलंद कर या समझने की जिद छोड़ दे तू, सोच बुलंद कर या मुझे समझने की जिद छोड़ दे तू, बेहद मुश्किल है तेरा रवि होना क्योंकि तेरे अंदर वो आग नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। वैसे मुझे आदेशित किया गया था DSW सर की तरफ से कि मुझे कुछ गाना है, बट आई हैवन प्रिपेयर्ड, तो मैं आपको अपनी कुछ रचनाएं सुना देता हूँ छोटी सी। सर यहाँ बैठे हैं, सर को प्रणाम करते हुए ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, कि ये कैसा नया जमाना है अपने ही अपनों को ठगते, ये कैसा अफसाना है, ये कैसा नया जमाना है। यहाँ न कोई अपना है और न कोई सगा किसी का, यहाँ न कोई अपना है और न कोई सगा किसी का, बस मतलब का ताना बाना है, बस मतलब का ताना बाना है, ये कैसा नया जमाना है। मतलब की सारी यारी है ये कैसी लाचारी है।
मतलब कि सारी यारी है ये कैसी लाचारी है, बस स्वार्थ का फसाना है, बस स्वार्थ का फसाना है, ये कैसा नया जमाना है। कहीं अपनों की गद्दारी है, कहीं गैरों की मक्कारी है, कहीं अपनों की गद्दारी है, कहीं गैरों की मक्कारी है, लक्ष्य पद पैसा ही कमाना है, लक्ष्य पद पैसा ही कमाना है, ये कैसा नया जमाना है। यहाँ संस्कारों की होली है, व्यवहारों में गोली है, यहाँ संस्कारों की होली है, व्यवहारों में गोली है, अपना कोई शर्माना है, ये कैसा नया जमाना है। सर का विशेष तवज्जो चाहूंगा इस लाइन पे, और आप सभी का भी, अगर आपको ये बात दिल की गहराइयों तक उतरे तो आप अपना आशीर्वाद मुझ तक जरूर पहुंचाएं कि बूढ़े माँ बाप को नहीं पूछते हैं, बूढ़े माँ बाप को नहीं पूछते हैं पर पत्थर मंदिर के पूछते हैं, बूढ़े माँ बाप को नहीं पूछते हैं पर पत्थर मंदिर के पूछते हैं, इस दौर का यही पैमाना है, इस दौर का यही पैमाना है, ये कैसा नया जमाना है। बहुत शुक्रिया। मातृशक्तियां यहाँ विराजमान है, मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूं अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए तो, कि अपना सर पे पल्लू है, अपना सर पे पल्लू है ना ही कंधों पे दुपट्टा, अपना सर पे पल्लू है ना ही कंधों पे दुपट्टा, नए फैशन का बहाना है, नए फैशन का बहाना है, ये कैसा नया जमाना है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। घंटों फेसबुक व्हाट्सएप करते हैं आजकल के हमारे जनरेशन के जो यूथ हैं, घंटों फेसबुक व्हाट्सएप करते हैं बस पढ़ने लिखने से डरते हैं, घंटों फेसबुक व्हाट्सएप करते हैं बस पढ़ने लिखने से डरते हैं, नए गैजेट से क्या खूब याराना है, नए गैजेट से क्या खूब याराना है, ये कैसा नया जमाना है, ये कैसा नया जमाना है। बहुत शुक्रिया। वैसे मैं थोड़ा प्रेम वगैरह पे लिखता हूँ तो चार लाइनें आपको समर्पित करता हूँ कि तू तो नहीं आती, तू तो नहीं आती तेरी याद बहुत आती है, तू तो नहीं आती तेरी याद बहुत आती है, जब भी आती है आंखें भीग जाती हैं, तू तो नहीं आती तेरी याद बहुत आती है, जब भी आती है आंखें भीग जाती हैं, भीगे आंखों के अश्कों में भी, भीगे आंखों के अश्कों में भी तेरी तस्वीर नजर आती है, तू तो नहीं आती तेरी याद बहुत आती है। बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ तू नहीं है, मैं जानता हूँ तू नहीं है पर दिल कहता है तू यही है, मैं जानता हूँ तू नहीं है पर दिल कहता है तू यही है, ये दिल की कैसी नादानी है, ये दिल की कैसी नादानी है, फिर भी बात इसकी मैंने मानी है, दिल की इस नादानी पे हंसी सी आती है, दिल की इस नादानी पे हंसी सी आती है, तू तो नहीं आती तेरी याद बहुत आती है। बहुत शुक्रिया। कि तुझ संग बीते वो क्या दिन थे, तुझ संग बीते वो क्या दिन थे, कड़ी धूप भी जैसे हिम थे, तुझ संग बीते वो क्या दिन थे, कड़ी धूप भी जैसे हिम थे, तेरी जुल्फों के घने साए से, जब भी मिलने जाता था तो लगता था कि ये धूप नहीं वो बर्फ पर रहे हो, तो तुझ संग बीते वो क्या दिन थे, कड़ी धूप भी जैसे हिम थे, तेरी जुल्फों के घने साए से, तेरी जुल्फों के घने साए से, लगता था बादल छाए थे, उन बादलों की बूंदों से मेरी रूह भीग जाती है, तू तो नहीं आती तेरी याद बहुत आती। आखिरी कि मेरी भी याद तुझे आती होगी, मेरी भी याद तुझे आती होगी, मुझ संग बीते जो लम्हात वो याद आती होगी, मेरी भी याद तुझे आती होगी, मुझ संग बीते जो लम्हात वो याद आती होगी, मैं जानता हूँ कि तेरा प्यार सिर्फ मैं हूँ, मैं जानता हूँ कि तेरा प्यार सिर्फ मैं हूँ, फिर भी तू उससे निभाती होगी, फिर भी तू उससे निभाती होगी, तेरी इस बात पे मुझे गर्व सी आती है, तू तो नहीं आती तेरी याद बहुत आती है।
बहुत शुक्रिया। वैसे डी एसडब्ल्यू साहब का आदेश था तो दो लाइनें इस रात के लिए। कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ बैठे हैं बिहार, और बिहार में भोजपुरी ना हो तो फिर मजा नहीं आता। तो दो लाइनें कि आज के रात आयल भरे भाग से सांस में सांस भर के तुझी जायदा दल अखियां में अखियां निहारत रही रूप रसवा के गगरे तुझी जायदा। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया रवि। दीप शिखा जी अब आ भी जाइए, आपका बहुत इंतजार हो रहा है, आइए। Thank you.
शर्मा सर का फोन आता है उनका, तो हमें लगता है कि जरूर कोई इवेंट है और हमें करना है और हमें बहुत अच्छा लगता है। आप सभी यहाँ बहुत ही अच्छे से इन कलाकारों का प्रोग्राम देखते हैं। आज दो चार नई चीज़ें लेकर मैं आई हूँ। अभी एक बच्ची ने बहुत ही अच्छा कथक नृत्य पर आधारित डांस किया, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति थी। और हम भी शुरू कर रहे हैं फ्यूजन नृत्य, यह भी क्लासिकल डांस कथक नृत्य पर आधारित फ्यूजन म्यूजिक मिला हुआ, कुछ वेस्टर्न म्यूजिक कुछ क्लासिकल म्यूजिक, और आधार इस नृत्य का है शास्त्रीय नृत्य कथक। धाति धागे ना धुन घेना धागे ना धाटिके धागे धने धागे ना धुन तुम 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 ना थुन ना घेना घेना खेके धागे धने धा घेना 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 धीना धीना धागे ना धा तेरे कता कता कता
अब नायिका का झुमका कलकत्ता से आया है, तो देखिए खुशी में वो किस तरह नृत्य करती है, झूमर बिहार का लोक नृत्य। Thank you.
Thank you.
Thank you.
स्वागत है। ये कलाकार पंजाब के लोग नृत्य प्रस्तुत करेंगे। चलिए बिहार से थोड़ा पंजाब घूम लें इन कुड़ियों के साथ। तो लीजिए, प्रस्तुत है पंजाबी गिद्धा। Thank you.
पेशकश थी। और अब वक्त है कंक्लूडिंग रिमार्क का। मैं बहुत अदब और बेहद नरमी के साथ हमारे माननीय कुलपति महोदय से गुजारिश करती हूँ कि वो मंच पर तशरीफ लाएं और हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। साथ ही मैं उनसे निवेदन करूँगी कि हमारे प्रोफेशनल आर्टिस्ट मैडम नंदिता और मैडम अर्चना को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनको सम्मानित करें। कार्य हम करते हैं उनको हम सभी स्टेक होल्डर्स के सामने रखें। इसमें हमारी स्टेक होल्डर्स में किसान भी शामिल हैं, विद्यार्थी भी शामिल हैं, हमारे नीति निर्माता भी शामिल हैं। तो एक ऐसा जोश का समय आता है जिसमें सब मिलजुल करके अपना बेस्ट दिखाना चाहते हैं और ये परंपरा मैं समझता हूँ बहुत अच्छी परंपरा बनी है। पिछली बार भी सब लोगों ने मिलकर के बहुत अच्छे से इस दिन को मनाया और मैं समझता हूँ ये दूसरा हमारा स्थापना दिवस भी बहुत अच्छे स्केल पे, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सफलता के साथ मनाया गया और मैं सबका जिन्होंने इसमें योगदान किया है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तो अब की बात रही है लेकिन जिन्होंने पूरे साल प्रयत्न किया है, पूरे साल लगे रहे हैं और जो परिणाम आए हैं वो उन्हीं की बदौलत हम आज का ये दिन अच्छी तरह से मना सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं इसमें कि हम अपनी दिशा निर्धारित करते हैं आगे के लिए, रिव्यू करते हैं कितने दिन हो गए, क्या सोच रहे थे, किस तरह का काम करने की इच्छा थी, उसमें क्या दिक्कतें आई, इंटरपर्सनल जो हमारी इक्वेशंस हैं उनका स्टेट के साथ, दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरनली, ये सब चीज़ें रिव्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। मुझे सुबह के अपने जो समय मिला था उसमें कई बातें रखी थी और सबसे बड़ी चीज़ जो हम अभी मैं सोच रहा हूँ होने वाली है वो है अगले हमारे कैंपस का, नए कैंपस का निर्माण। इसमें अच्छी प्रगति है और अगले साल स्थापना दिवस पे हम इसे बनता हुआ देखना चाहेंगे कि काम शुरू हो जाए। तो ये बहुत उत्साहित करने वाली बात है, इसके लिए हम हर स्तर पे प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के लेवल पे हो या प्रदेश में लीडरशिप के लेवल पे हो और हमें सबका सहयोग इसमें मिल रहा है। साथ ही हमारे जो शैक्षणिक काम हैं और दूसरे रिसर्च के इश्यूज हैं, सर्विसेज से रिलेटेड मैटर्स हैं, उनमें भी हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और आप सबका जो प्रेम, जो सहयोग, जो साथ सबका इसमें मिला है उसके लिए मैं इस मंच से आप सबको साधुवाद देता हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ। आज की जो ये संध्या है, श्याम है, म्यूजिक भरी हुई, इसने हम सबको सुबह का जो कार्यक्रम था वो दूसरी नेचर का था, उसके बाद जो रिलैक्सेशन का अवसर मिला जो म्यूजिक के साथ आराम
एंजॉय करने का अवसर मिला, उसके लिए सभी कलाकारों का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने यहाँ परफॉर्मेंस दिया। बहुत अच्छे हमारे पास टैलेंट है, हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं जिन्होंने आज ये प्रस्तुतियाँ की हैं। मैं चाहूँगा कि हम अपने जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनको भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें जितना हम अपने विज्ञान को अपनी पढ़ाई को दें। और इसमें जो भी इनपुट चाहिएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो भी आपकी आवश्यकताएं हों उन्हें अच्छी तरह से पूरा किया जाए। हमारे विद्यार्थी कई कार्यक्रमों में जा रहे हैं, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ मुकाबले कर रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या एकेडमिक कार्यक्रम हो या खेल कूद के कार्यक्रम हो, तो चारों तरफा जो प्रोग्रेस होगी और जो कैंपस लाइफ जिसको हम कहते हैं वाइब्रेंसी कैंपस के अंदर वो ज़रूर आएगी। और इसमें मैं कहना चाहूँगा कि आज जो परिवार के साथ आए हैं यहाँ पर मैं उनका सबका विशेष शुक्रिया करना चाहता हूँ। लेडीज़ जो आई हैं मैं उनका ख़ास तौर से शुक्रिया करता हूँ। हमारे सीनियर ऑफिसर्स के परिवार यहाँ पर हैं, हमारे और भी बच्चे हैं साथ में आए हैं, तो सबको ये लगना चाहिए कि हम इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा हैं, इसके हम इससे जुड़े हुए हैं। और घर में भी ये ना लगे कि भाई आप कितने बजे आएंगे कितने बजे जाएंगे, उन्हें लगे कि आप जा रहे हैं तो आप कहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ किस तरह का काम करते हैं और उसको कितना अच्छा बनाने में आप योगदान दे रहे हैं। तो ये मैसेज घर तक लेके जाइए आज की शाम को और इन्जॉय करिए, अच्छे से काम करिए। किसी का कोई ग्रीवांस हो हम हमेशा तैयार हैं किसी भी ग्रीवांस को एड्रेस करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए। और मैं दावा करना चाहूँगा कि हम शायद पूरे प्रदेश में सबसे जल्दी कोई पॉइंट रिजॉल्व करने का काम करें जब भी कोई बात हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का कलाकारों का जो भी हमारे आर्टिस्ट आए हुए थे, अर्चना चौधरी और आपकी ग्रुप है और बच्चों ने जिन्होंने परफॉर्म किया है सबका उत्साहवर्धन करता हूँ, सबका साधुवाद देता हूँ, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत अच्छी आप लोगों ने इसमें हमारी शाम को अच्छा बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इसी तरह आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा, आप मिलते रहेंगे और प्रोग्राम कराएंगे, कॉन्फ्रेंसेस कराएंगे, उनमें भी हम सब मिल करके इसी तरह के आयोजन करेंगे। और आप देख रहे हैं कि जो आयोजन हमारे हो रहे हैं उनकी जो क्वालिटी है उनकी जो गुणवत्ता है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो आगे हम ये देखना चाहेंगे कि भाई इनमें भी जो इनोवेशन है जिसके सुझाव हैं या कोई और आइडियाज़ हैं फ्रेश आइडियाज़ हैं उनको लेके आइए और कैंपस लाइफ को कल्चरल लाइफ को यहाँ की ज़्यादा इंजॉयबल टेंशन फ्री और वाइब्रेंट बनाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सबका शुक्रिया करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। अब ये प्रोग्राम आखिरी पड़ाव पर आ पहुँचा है। अब ये शाम समाप्ति के कगार पे है इसलिए अंत में दो लाइन अलविदा तो अंत है है। और हमारे यहाँ ये रिवाज है कि हम आखिर में उन तमाम लोगों का
आभार व्यक्त करते हैं जिनके सहयोग के बगैर इस कार्यक्रम का तस्वीर भी मुमकिन न था। तो मैं अब दरख्वास्त करूंगी रेस्पेक्टेड डॉक्टर ए के झा सर से कि वो मंच पर आए और धन्यवाद ज्ञापन की प्रक्रिया को पूर्ण करें। दिल तो यही कहता है कि अभी न जाओ छोड़ के, कि दिल अभी बड़ा नहीं है, लेकिन जो शुरू होता है उसका अंत भी होता है और आज इस शाम अपने अंजाम तक आ पहुंची है। उम्मीद है कि हमारी यह छोटी सी कोशिश आप लोगों को भाई होगी और आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा। इससे पहले कि मैं औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन करूं, मैं बधाई देना चाहता हूं अपने समस्त बासु परिवार के सभी सदस्यों को इसकी द्वितीय वर्षगांठ की और प्रार्थना करता हूं भगवान से कि हमारा यह परिवार, हमारा यह विश्वविद्यालय निरंतर फले फूले, श्रेष्ठतम उपलब्धियों को हासिल करे और शिखर तक पहुँचे। सर ने अभी एक नई परंपरा शुरू की और मैं प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए ये कहना चाहूँगा कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है और यहाँ तो सफलतम व्यक्तियों की एक पूरी श्रृंखला है और उनको सफल बनाने में जिनका सबसे बड़ा योगदान है सौभाग्य से वो हमारे बीच है। मैं आप सभी मैडमों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और कामना करता हूँ कि वासु की इस सफलता में आपका योगदान भी उतना ही है और उसी तरह बना रहे हैं जितना ठीक है। मैं कृतज्ञ हूँ अपने वाइस चांसलर महोदय का जिनका सौम्य व्यक्तित्व, सरल व्यक्तित्व अक्सर हमें बहुत सुकून से भर जाता है और सर हर चीज में व्यक्तिगत रुचि लेते हैं, एक एक चीज में पूछते हैं, सलाह देते हैं और जो कुछ भी हो पा रहा है और हुआ है उसमें सर का एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं सर का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने रजिस्ट्रार महोदय का जो यहाँ विराजमान है और आज सबसे पहले आ गए थे सर और मैंने कहा कि नहीं, लोग समय पर भी आते हैं। सर मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने अधिष्ठाता बीबीसी महोदय सर का। सर के प्रांगण में ये हो रहा है और इनफैक्ट बासु का प्रांगण है लेकिन सर बधाई के पात्र हैं। सर को मैं अपना हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। हंसराज सर हैं सभी। हाँ, और सबसे बड़ी बात, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने अधिष्ठाता महोदय का संजय गांधी का प्रौद्योगिकी के, जो शायद किसी कारणवश अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ सके लेकिन उनका सहयोग हमें मिला और जिस वजह से यह कार्यक्रम सफल हो पाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने डायरेक्टर रिसर्च महोदय का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन महोदय का, हमारे फाइनेंस कंट्रोलर साहब हैं उनका। इन सबों के आशीर्वाद और सहयोग के बिना यह प्रोग्राम कभी संभव हो ही नहीं सकता था। लेकिन एक व्यक्ति और भी ऐसे हैं जिनके बिना इस प्रोग्राम की कल्पना शायद हम नहीं कर सकते थे और वो हैं हमारे डायरेक्टर स्टूडेंट वेलफेयर रमन त्रिवेदी सर। हर एक चीज को बड़ी बारीकी से देखना, मेटिकुलसली प्लान करना, सलाह देना, अंत अंत तक आकर के कहना कि ये मत भूल जाना, इतना इंटरेस्ट लेना, सर मैं वाकई आपका आभारी हूँ और मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ उन सभी परफॉर्मर्स का, हमारी फैकल्टी का, स्टूडेंट्स का, जिनके बारे में मैं क्या बोलूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। आप सबों ने देखा है, आप इसके गवाह हैं और मुझे विश्वास है कि ये अविस्मरणीय पल आपको याद रहेगा। हमारे सभी फैकल्टी, हमारे सभी स्टूडेंट इतने टैलेंटेड हैं कि हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आने वाले समय में हम इससे भी बेहतर करेंगे, बेहतर प्रस्तुति देंगे और हमारा नाम राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाएगा। धन्यवाद देता हूँ मैं सभी परफॉर्मर्स को, स्टूडेंट्स को। धन्यवाद देता हूँ मैं आर के शर्मा साहब को, वो भी एक पिलर हैं हमारे इस प्रोग्राम के, उनके बिना भी ये नहीं हो पाता। मैं वाकई उनका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वो भी हमारे सदस्य हैं। मैं क्या धन्यवाद दूँ, वो तो हम नहीं हैं, फिर भी मैं धन्यवाद देता हूँ मैडम रंजना चौधरी और उनकी टीम का जिन्होंने की बहुत अच्छी प्रस्तुति दी।
तरह तरह के नृत्य उन्होंने हमें हमारे सामने प्रस्तुत किया। मैं धन्यवाद देता हूँ नंदिता चक्रवर्ती मैडम का और उनकी टीम का, इन सारे म्यूजिशियंस का जिन्होंने इतनी अच्छी तरह संगत की और इनके बिना ये कार्यक्रम नहीं हो पाता। अंत में मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ आए सभी फैकल्टीज, स्टूडेंट्स, स्टाफ्स का जो यहाँ पर हैं, और विशेष तौर पर डॉक्टर विपिन कुमार सिंह का, जिनके कारण हमें रिप्रेजेंट मिल सका। थैंक यू विपिन जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हो सकता है मैं कुछ नाम भूल गया हूँ, लेकिन वो सभी आभार और धन्यवाद के पात्र हैं जो जिनका नाम मैं ले पाया या ना ले पाया, कृपया मुझे क्षमा करेंगे। और अंत में मैं आग्रह करूँगा अधिष्ठाता बीबीसी से सर की दोषक बोले। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं दो लोग जो मुख्य रूप से छूट रहे हैं, डॉक्टर झा, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में डॉक्टर अर्चना जो शुरू से लेकर के अंत तक इस कार्यक्रम की सूत्रधार रही हैं, तो जोरदार तालियों से धन्यवाद करें। और अगर हम पूरे कार्यक्रम को देखें पिछले 3-4 दिनों से और आज के इस अंतिम पड़ाव तक, एक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो दिन रात सुबह से शाम तक भाग दौड़ करते हुए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और वे हैं हमारे DSW डॉक्टर रमन त्रिवेदी साहब। और मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने कुलपति महोदय को कि डायस पर आकर के एक बुके दे करके उनका सम्मान किया जाए। त्रिवेदी साहब सर प्लीज आइए, डायस पर आए प्लीज। कृपया जोरदार तालियों से डॉक्टर का इस खड़े होकर के एक इस्तकबाल करें। बहुत 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 दिल की गहराइयों से धन्यवाद, और आपके इसी तरह सुपरविजन में ये कार्यक्रम आगे और अच्छा रहेगा, ये ईश्वर से कामना। आप सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकातें होती रहेंगी। अलविदा।